नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज के वीडियो में हम सीखेंगे एकलव्य मॉडल रेसिडेंसी स्कूल में जो प्रिंसिपल, TGT, PGT, हॉस्टल वार्डन के लिए आवेदन किए थे उनके जो प्रवेश पत्र है वो आप कैसे डाउनलोड करोगे, इसमें आपको क्या दस्तावेज लगेंगे, संपूर्ण जानकारी हम आपको आगे वीडियो में विस्तारपूर्वक स्टेप बाय स्टेप देंगे। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे हमारे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलते रहे। चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, एकलव्य मॉडल रेसिडेंसी स्कूल में जो भी प्रिंसिपल, TGT, PGT, हॉस्टल वार्डन, लैब अटेंडर और अकाउंटेंट जिस पद के लिए आपने आवेदन फॉर्म फिल किए थे उसके जो प्री प्रवेश पत्र है वो आ चुके हैं। अब हमें प्रवेश पत्र डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले emrs.tribal.gov.in ये वाले पोर्टल पर आना है। ये वाले पोर्टल पर आने के बाद में दोस्तों कुछ इस तरीके से आपको डैशबोर्ड दिखेगा। एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल स्टाफ सिलेक्शन टेस्ट, जो कि 16 दिसंबर से इसकी परीक्षा चालू हो जाएगी। 16 दिसंबर को प्रिंसिपल की परीक्षा है जो कि मॉर्निंग में, उसके बाद में PGT की है इवनिंग में। उसी तरीके से 16, 17, 23, 24 इस तरीके से आपका जो भी आपने जिस पद के लिए आवेदन फिल किया था उसके अनुसार यहाँ पर तारीख शो होगी। अब हमें एडमिट कार्ड देखना है तो उसके लिए स्क्रॉल कर हमें नीचे आना है। तो यहाँ पर दोस्तों, आप प्रिंसिपल के लिए यदि एडमिट कार्ड डाउनलोड करना चाहते हैं तो फर्स्ट वाले को सिलेक्ट करें। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर यानी कि PGT के लिए करना है तो सेकंड वाले को, नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए करना है थर्ड वाले को, TGT के लिए करना है तो चौथे वाले को, और हॉस्टल वार्डन के लिए करना है डाउनलोड करना है अपना एडमिट कार्ड तो लास्ट वाले को आपको सिलेक्ट करना है। यहाँ पर आपको सारी जानकारी दी हुई रहेगी तो आपको जिस भी पद के लिए आवेदन किया था और उसका एडमिट कार्ड देखना है तो वो वाले सामने जो भी लिंक दिख रही उस पर आपको क्लिक करना है। जैसे हम ये हॉस्टल वार्डन को सिलेक्ट करते हैं तो कुछ समय लेगा और कुछ इस तरीके से हमें लॉगिन थ्रॉट एप्लीकेशन नंबर एंड डेट ऑफ बर्थ पूछेगा। तो जो आपने आवेदन फॉर्म फिल किया था और जो एप्लीकेशन रिसिप्ट आपको प्राप्त हुई थी उसमें जो भी आपका एप्लीकेशन नंबर था, एप्लीकेशन नंबर देना, आवेदक की जन्मतिथि देनी है, उसके बाद में जो कैप्चा कोड दिख रहा है यहाँ पर देना और सिंपल से सबमिट पर क्लिक करना है। जैसे हम जानकारी देकर सबमिट पर क्लिक करेंगे तो दोस्तों कुछ इस तरीके से एकलव्य मॉडल रेसिडेंसी स्कूल रिक्रूटमेंट 2023 हॉस्टल वार्डन, दिस इज नॉट द एडमिट कार्ड, ये आपको एडमिट कार्ड नहीं है। लेकिन दोस्तों, ये एडमिट कार्ड भी इसी तरीके से डाउनलोड होगा। साथ ही ये जो एडमिट कार्ड का फॉर्मूला है यहाँ पर आपको जो है दोस्तों परीक्षा की तारीख और कौन सी शिफ्ट में आपका जो है परीक्षा रहेगा और उसके बाद में एग्ज़ाम सिटी का यहाँ पर आपको दिखेगा। अभी एग्ज़ाम सेंटर का नाम नहीं रहेगा लेकिन जो भी एग्ज़ाम सिटी आपकी है वो यहाँ पर आपको शो हो जाएगी। तो यहाँ पर सबसे पहले अप्लाई फॉर, तो जिस पद के लिए आवेदन किया था वो दिखेगा, एप्लीकेशन नंबर दिखेंगे, कैंडिडेट का नाम दिखेगा, पिता का नाम दिखेगा, जेंडर दिखेगा, जन्मतिथि दिखेगी, कैटेगरी दिखेगी, उसके बाद में डेट ऑफ एग्ज़ाम दिखेगी और शिफ्ट दिखेगी, उसके बाद में एग्ज़ाम सिटी दिखेगी। इधर आपने फ़ोटो और सिग्नेचर जो स्कैन कर अपलोड करी थी वो फ़ोटो और सिग्नेचर दिखेगी। उसके बाद में दोस्तों इसको स्क्रॉल करके नीचे आना है। तो दोस्तों, एक यहाँ पर नोट है, दिस इज़ नॉट द एडमिट कार्ड फॉर द रिक्रूटमेंट 2023 फॉर हॉस्टल वार्डन, जिस भी पद के लिए करोगे वो दिखेगा। दिस इज एडवांस इन्फॉर्मेशन द अलॉटमेंट ऑफ द सेंटर सिटी टू फैसिलिटी द कैंडिडेट द एडमिट कार्ड सेल बी इशू टू डे बिफोर द एग्जामिनेशन। यानी कि आपकी 17 को एग्ज़ाम है तो आप 15 को एडमिट कार्ड इसका डाउनलोड कर सकते हैं। ये आपको प्री सूचना पत्र है कि आपका जो भी एग्ज़ाम है वो एग्ज़ाम कब होगी, उसके बाद में शिफ्ट क्या है और एग्ज़ाम सिटी क्या है, ताकि आपको आगे दिक्कत ना हो सके। उसके बाद में आप चाहो तो यहाँ से क्लिक है टू प्रिंट पर क्लिक करके इसकी प्रिंट निकाल सकते हैं, नहीं तो यहाँ पर आप जानकारी चेक करके इसको सिंपल से लॉग आउट कर सकते हैं। जैसे आप लॉग आउट करोगे या फिर इसकी प्रिंट निकाल लोगे, प्रिंट निकालने के बाद में अपने पास सुरक्षित रख ले, अपनी जानकारी अच्छे से मिलान कर ले और उसके बाद में आपको लॉग आउट कर देना। जैसे आप लॉग आउट करोगे उसके बाद में दोस्तों आपकी विंडो क्लोज हो जाएगी कुछ इस तरीके से। तो दोस्तों, इस तरीके से एकलव्य मॉडल रेसिडेंसी स्कूल में जो एडमिट कार्ड है TGT, PGT या हॉस्टल वार्डन के लिए जो आवेदन फिल किया था और जो एडमिट कार्ड है वो आप इस तरीके से डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों, हमारा वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताना है। किसी भी प्रकार की दिक्कत हो तो हमें कमेंट्स करना, हम आपकी सहायता करने की पूरी कोशिश करेंगे। और यदि आप हमारे चैनल पर नए तो हमारे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करना, शेयर करना, लाइक करना और हमें सपोर्ट करना। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।